गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आज हम आप लोगों को वैद्युत रसायन के नेक्स्ट टॉपिक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के भी विचार से और बोर्ड में भी इस पर बेस्ट क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टॉपिक हमारा क्या है भाई? तो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोड विभव का नर्स समीकरण। क्या है टॉपिक हमारा? है इलेक्ट्रोड विभव का नर्स समीकरण। क्या बतलाता है यह समीकरण? यह समीकरण वैद्युत भट्ट के विलय में जो आयंस होते हैं, ठीक है ना, उसकी सांद्रता के बारे में बतलाता है। यह समीकरण वैद्युत भट्ट के विलय में उपस्थित आयनों की सांद्रता के बारे में बतलाता है और किसी भी इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया को अपचयन विभव के फॉर्म में ही लिखते हैं। अपचयन विभव का मतलब कि जब हम इलेक्ट्रोड अभिक्रिया शो करेंगे तो अस्करण क्या होगा, अभिक्रिया शो करेंगे तो उसमें ये दिखाएंगे कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके, त्याग करके धन आयन बनाता है, तो उस फॉर्म में नहीं दिखाते हैं। अपचयन विभव के फॉर्म में दिखाते हैं, मतलब कोई भी अभिक्रिया में आयन इलेक्ट्रॉन को ले करके कैसे उदासीन होता है, इसी रूप में हम अपचयन विभव के फॉर्म में ही दिखलाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, अपचयन विभव के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि कोई मेटल है, वो आयन के फॉर्म में है, कोई मेटल है और किस फॉर्म में है, वो आयन के फॉर्म में है, जैसे मेटल हो गया और इस पर एन प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है भाई। अब अपचयन विभव के फॉर्म में दिखाने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एन प्लस चार्ज है तो एन इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाता है एम एस, ये बन गया अपचयन विभव फॉर्म में। समझ गए अपचयन विभव फॉर्म, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब एम प्लस चार्ज है तो एन इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव मिल गया, न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस पर इसके लिए नर्स ने इक्वेशन क्या दिया, दिया कि ई इक्वल ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग एम बाई ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए नर्स का समीकरण ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये जान लेते हैं, आइए कि यही नर्स इक्वेशन हम इसी फॉर्म में लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया के लिए। तो ई क्या है भाई, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है। ई इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, आइए ये तो लैग की वैल्यू होती फिक्स होती है, सोचे नहीं। आर गैस कांस्टेंट है, गैस का नियतांक है, टी टेम्परेचर है, ताप है, एन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं अभिक्रिया में वो है, और एफ फैराडे नियतांक है, ठीक है। लॉग ये एम मेटल की सांद्रता, अब बाई ये मेटल आयन की सांद्रता। तो किसी अभिक्रिया के लिए हम नर्स इक्वेशन लिखते हैं तो यही फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। अब तो ये सामान्य फॉर्म है, इसमें हम आर तथा टी का मान रखेंगे, ठीक है ना, इस समीकरण में, ठीक।
आर तथा टी का मान रखने पर, अब आर के मान कितना रखेंगे भाई, तो आर की वैल्यू होती है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आर की वैल्यू ठीक है। टी की वैल्यू कितना रखेंगे भाई, तो टी की वैल्यू स्टैंडर्ड रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि आपका केल्विन हो जाएगा 298 केल्विन। आर की वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू हो गई, एफ की वैल्यू फैराडे की वैल्यू होती है 9,096,500 कूलाम। अब इन मानों को जो है कि इस समीकरण में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए पुट कर दिया जाए, ये सब मान को समीकरण में पुट कर दीजिए। इसमें पुट कीजिए, तो पुट करेंगे तो इक्वल ई नाट माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 हो गया बाय एन इंटू 96,500 ठीक है इंटू लॉग मेटल प्लस मेटल आयन ये जगह। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा आपको इक्वल ई नॉट माइनस, पूरा सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.0591 बाई एन और ब्रैकेट में लॉग, ठोस अवस्था में या गैस अवस्था में यदि हो तो उसको हम एक लिखते हैं, तो 1/m^n। तो ये आपका सामान्य इक्वेशन जो है कि मिलेगा, तो इसको हम न्यूमेरिकल में करने में किस करते हैं, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड विभव का नर्स समीकरण ये वाला, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, सेल विद्युत वाहक बल के लिए नर्स समीकरण, किसके लिए, सेल विद्युत वाहक बल के लिए नर्स समीकरण, वो तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए था, ये सेल के विद्युत वाहक बल है उसके लिए निकालेंगे नर्स का समीकरण। तो सेल अभिक्रिया लिख लेंगे, कोई भी सेल अभिक्रिया ले लीजिए, जैसे एन आई सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस एक्वस में चला जाएगा इक्वल Ni 2 प्लस, ये भी एक्वस में जाएगा प्लस 2Ag सॉलिड में जाएगा। अब इसके लिए लिखना है नर्स इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे कि ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303
आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग। अब इधर का ले लेंगे पहले, बटे में ए जी। तो ये आपका एक मिलेगा अभिक्रिया, ठीक है ना। अब इस अभिक्रिया में ये हो ही गया, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा एनोड पर। हम जानते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, निकिल का, निकिल आयन में। दिखाएंगे एन आई सॉलिड कन्वर्टेड इनटू एन आई टू प्लस, दो इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया। और कैथोड पर तो कैथोड पर दिखा दीजिए, तो टू ए जी प्लस, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो टू ए जी बना दिया, सॉलिड बना दिया, कैथोड पर हो जाएगा। अब इसका सेल प्रारूप यदि लिखना होगा, सेल प्रारूप तो इस साइड में एनोड और इस साइड में कैथोड बनाते हैं, तो एन आई सॉलिड एन आई प्लस टू एक्वस आई साल्ट ब्रिज लिख देंगे। और फिर इधर लिखेंगे ए जी प्लस ये एक्वस, ये क हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा टू ए जी। तो ये सेल प्रारूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेल विद्युत भाग के लिए नट्स इक्वेशन ये हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रो विभव का नट्स समीकरण और सेल विद्युत भाव के लिए नट्स समीकरण, दो समीकरण देख लिए। इसी पर हम लोग को जो है कि बताए हैं कि एग्जाम में भी या कंपटीशन उम्पटीशन के एग्जाम में भी जो है कि क्वेश्चन आते हैं, इन इस समीकरण को जो है कि आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ है नहीं इसमें, देख ही रहे हैं, बस ऑक्सीकरण अपचयन समझना है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अपचयन समझ लेंगे तो इस समीकरण का हानि सन निकाल लेंगे, ठीक है ना। यदि समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो भी आपके रिलेटिव हो उनको अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बैटरी।